4 नवंबर को देवउठनी एकादशी पर्व मनाया जाएगा। इस दिन घरों में शास्त्रोक्त पूजन कर देवी देवताओं को योग निद्रा से जगाया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु सहित समस्त देवी देवता अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। हिंदू धर्म का यह अति पवित्रतम दिन निमाण में 11 खोपड़ी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इसे देव जागरण का पर्व बताया गया है। धार्मिक गतिविधियों के अनुसार इस दिन से ही सभी मांगलिक कार्यों की पुनः शुरुआत होती है। हिंदू शास्त्र पद्म पुराण में वर्णित एकादशी के महत्व के अनुसार इस दिन किए गए व्रत उपवास का फल 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर होता है। इस वर्ष देव उठनी एकादशी पर्व 4 नवंबर शुक्रवार को मनाया जाएगा तथा देव पूजन के लिए शाम 6:08 से सूर्यास्त तक का समय श्रेष्ठ बताया गया है। घर के आंगन में लीप पोत कर रंगोली बनाई जाती है। हम जुवार हम टोटो गन्ने की खोपड़ी बनाई जाती है, जिसके खोपड़ी के बीच में अपन देवों को रखते हैं। घर के जो देव रहते हैं उन्हें उठाने का कार्य किया जाता है, जिससे उठाने से बहुत बड़ा महत्व है। और उनको उठाने के लिए घंटियाँ बजाते हैं, फटाके छोड़ते हैं बच्चे लोग, तो उसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। परंपराओं के अनुसार इस दिन तुलसी विवाह के आयोजन भी किए जाते हैं। शास्त्रों के हिसाब से इस दिन तुलसी विवाह कराने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन घर के आंगन में बनी तुलसी क्यारों का पूजन करने का रिवाज आदि काल से चला आ रहा है। मान्यता यह भी है कि जिस घर में तुलसी का वास होता है वहाँ कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। उनसे दिनेश दसुंदी की रिपोर्ट। प्रथा है कि तुलसी विवाह करवाया जाता है, इसके बारे में कुछ बताइए। तुलसी विवाह का बड़ा महत्व है। जिनके घर में कन्याएं नहीं होती वो तुलसी विवाह कर सकते हैं। उनके कन्या तुलसी विवाह से उनको कन्यादान का फल मिलता है। अच्छा है? तो क्या करना पड़ता है तुलसी विवाह में, क्या करना पड़ता? इसलिए इसको तुलसी विवाह के दिन शालिग्राम से विवाह होता है, और जैसे अपन करते हैं कन्या का शादी उसी प्रकार की जाती है। अच्छा, घर में। अच्छा, तो तुलसी का महत्व क्या है? तुलसी का महत्व कि हर घर में तुलसी होना चाहिए। इससे बड़ा महत्व पर्यावरण के लिए भी बहुत बढ़िया है, और हर घर में तुलसी होना बहुत जरूरी है। क्या नाम है आपका? विजय पंडित। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।